दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी मंच पर उपस्थित थे। सी मैरी कॉम, जिन्होंने देश का नाम बड़ा रोशन किया हर जगह। श्री भूपेंद्र भल्ला जी, डॉक्टर एस के फिरुंग जी और डॉक्टर अनिल अग्रवाल, सभी जो लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। हेपेटाइटिस के बारे में डॉक्टर सरीन ने बड़ी डिटेल में बताया, सभी वक्ताओं ने काफ़ी डिटेल में बताया है। अब जो मुझे समझ में आया है वो इतना समझ में आया कि इसको दो ही तरीके हैं, पहला प्रिवेंशन और दूसरा है ट्रीटमेंट। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन करें किस बात से, कैसे करें? जो होने के जो सी है, हेपेटाइटिस सी है, वो तो चलो पानी से होता है या खाने पीने से हो सकता है, वायरस वायरस है। उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, 12 हफ्ते की दवाई लेनी होती है, बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। और जो ज़्यादा खतरनाक है, जिसे कहते हेपेटाइटिस बी, उसके दो ही सोर्स नज़र आ रहे हैं। एक है कि भी एक्सपेक्टिंग मदर से बच्चे को होता है, और दूसरा अगर ब्लड एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ्यूजन होता है, या कोई लिटिल टच हो जाती है, उसको टच करी दूसरे को लग गई, तो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें से एक तो ये समझ में आता है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर है, अगर हम ये रूल बना दें कि भाई जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मदर को देखता है, उनको पता लगे एक्सपेक्टिंग है, तो उसका कम से कम ब्लड टेस्ट जरूर करें। अगर वो हेपेटाइटिस भी है तो उसको 6 महीने का ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बाद ये श्योर हो जाएगा कि होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस बी नहीं होने वाला। उस चेन को ब्रेक करना बहुत ही आसान लगता है इस हिसाब से। तो जैसे मैं डॉक्टर से पूछा कि अगर हम ये कर दें, और मुझे लगता है कि इसको हमें नोटिफाई करने के साथ साथ दिल्ली के अंदर इसको प्रोटोकॉल भी बनाएंगे, कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर, अगर कोई भी मदर एक्सपेक्टिंग है तो उसका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट जरूर करे। अगर कोई भी हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूर करे, और ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से, उसके लिए जो दवाइयाँ हैं, जो भी फैसिलिटीज है, सरकार की तरफ से फ्री में दी जाएंगी। इस बात के लिए हम कमिटेड हैं। मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर सरीन ने भी बताया कि ये दवाइयाँ हमने फ्री कर दी पर हर जगह नहीं मिल रही, ये फर्क हो सकता है, क्योंकि ईडीएल जो है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, दिल्ली सरकार की जो है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में वो दवाइयाँ मिलती हैं। और मुझे लगता है इसका कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम अपने से भी बाहर निकले, हम दे देंगे, फ्री में दे देंगे, बाकियों को भी दे देंगे, कोई ऐसा तरीका बनाते हैं। और दूसरा क्या लगता है कि कई लोगों, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, अब मोहल्ला क्लिनिक में मुझे लगता है कि शायद ये दवाइयाँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि भाई इस पेशेंट मुझसे इलाज नहीं कराएगा। अब हम क्या करेंगे, डॉक्टर सिंह की ड्यूटी लगाते हैं, डॉक्टर अग्रवाल की ड्यूटी लगाते हैं कि हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स को ट्रेंड कर दें और वही पेशेंट का इलाज खुद ही कर लें। होता है क्या है कि अगर पेशेंट को एक जगह, दूसरी जगह, दूसरे तीसरी जगह जाना था, तो काफ़ी सारे लोग छोड़ देते हैं, इलाज कराना नहीं चाहते हैं। तो सिंपल सा इलाज है, उसको टेस्ट करना है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज करना है। तो इस इलाज के ऊपर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। और जो नंबर है वो बड़ा डराने वाला नंबर है, मतलब 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का एस्टिमेट है कि इस देश के अंदर जो लोग हैं वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं। 2 करोड़ भी हो सकते हैं, 5 करोड़ भी हो सकते हैं, इतना बड़ा नंबर। और अगर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे पोलियो था एक टाइम में, पोलियो बहुत ही प्रिवेंट था, आपको बच्चे मिल जाते थे गलियों में, वो तो लगभग गायब हो गया है। अगर हम सब मिलके इस के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करें, तो होता आने वाले 10-15 साल के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो जाए, गायब हो जाए, दिखाई ना दे। और हम जरूर आपकी गाइडेंस के हिसाब से इस पे काम करेंगे। अब जहाँ तक ये रहा कि वैक्सीनेशन की बात है, कि बाई बर्थ एंड 3 ईयर्स के जो होता है, दिल्ली में 70% बच्चों को लग रहा है, तो मेरे 100% होना चाहिए। हमें इस बात से खुश नहीं होना चाहिए, ये पूरे देश के हिसाब से हमारा कई गुना ज़्यादा है। हमें सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना है, कि दिल्ली देश की राजधानी है, उसके अंदर हमें सबसे आगे एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो 2% बच्चों को उसके लिए वैक्सीनेट कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। और मैं आपसे कहता हूँ कि इसको जल्द ही नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया जाएगा, हम जल्दी करते हैं। मैं तो
ये भी कहूंगा भल्ला साहब, इसमें एक लिस्ट बना लीजिएगा और ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं, हमने जैसे डेंगू को नोटिफाइबल किया हुआ है, हमने कोरोना को किया हुआ है, इसी तरह से एक लिस्ट बना लीजिएगा। उस तक कोई और भी एक दो चीजें उनको नोटिफाइबल करने की जरूरत है, तो उन सारी डिजीज को मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर नोटिफाई कर दिया जाए, कर देंगे हम। और जहां तक लॉ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हेपेटाइटिस है, और ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था किसी और को हेपेटाइटिस है। तो डिस्क्रिमिनेशन मुझे लगता है ज्यादातर इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में ही ज्यादा है, तो ज्यादा हाई इन्फॉर्म लोग हैं वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसके लिए जरूर ये आइडिया अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो लॉ आपने ड्राफ्ट कराया है आप हमें दे दीजिएगा, इसको लॉ को भी हम दिल्ली के अंदर देश में पहली बार हम पास कराएंगे, और इसको ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का ना हो सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिएगा, कल हम टीबी के बारे में रिव्यू ले रहे थे, आज हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। कभी हम किसी बीमारी की बात करते हैं, हम सबको अलग अलग साइलोज में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है साइलोज में ना देख के काफी सारी चीजों को कंबाइन किया जा सकता है। अलग अलग जैसे टीबी का ट्रीटमेंट है उसका बिल्कुल अलग प्रोटोकॉल चल रहा है, बिल्कुल अलग सिस्टम चल रहा है। हम हर चीज को चाहते हैं कि इसको बिल्कुल अलग कर दें, ऐसा नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी एक है तो सर्विस डिलीवरी भी एक हो सकती है। और मुझे लगता है जैसे हमने दिल्ली में सोचा है कि हम 1,000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, इनिशियल जो जो भी पेशेंट आता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आज उसको देखते हैं कितना फिजिबल है। हमने डायरेक्शन बनाएंगे कि अगर कोई भी पेशेंट ओपीडी में भी आता है तो कम से कम साल में एक बार उसका हेपेटाइटिस का टेस्ट जरूर किया जाए। डॉक्टर साहब, साल में एक बार ही ज्यादा होता है? हर साल होना चाहिए, तो नहीं टेस्ट साल में एक बार ही होना चाहिए ज्यादा, वंस इन लाइफ बस। तो हम ये कहेंगे भाई अपना जो भी आए उसको मोटिवेट करें भाई, अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट भी करा लीजिएगा, आपको साल जिंदगी में एक बार ही कराना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जितने लोग रहते हैं, दिल्ली सरकार के सिस्टम में 75% लोग साल में एक बार जरूर आते हैं, तो उनका सबका अगर हम टेस्ट कर लें तो 75% लोगों का टेस्ट हो ही जाएगा। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे किया जा सकता है, और जो बच जाएंगे तो दिल्ली के अंदर हम सारी पॉपुलेशन का हेल्थ कार्ड बनाने जा रहे हैं, दिल्ली की 100% पॉपुलेशन का हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, जिसमें कि सारे पेशेंट्स जो भी लोग हैं उनका पूरा हेल्थ डाटा रखा जा सकता है। और हम इसमें एक खास चीज करने जा रहे हैं कि हेल्थ जो डाटा होगा आपका, वो तो डाटा आपका होगा, सरकार का नहीं होगा। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने जो भी प्रिस्क्रिप्शन किया, जो भी दवाइयाँ, डायग्नोसिस, सब कुछ उसमें होगा। दूसरे के पास जाते हैं, अस्पताल चेंज करते हैं, तो वो डाटा आपके साथ चलेगा। तो सभी लोगों का हेल्थ कार्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना बहुत आसान रहेगा। किसने टेस्ट करा लिया, किसने नहीं कराया, मुझे पता होगा। जो तो नहीं करा रहे हैं उनके हम घर भेजेंगे कि भाई आप कराओ, तो करना आसान हो जाएगा। तो उसको हम बिल्कुल जल्द से जल्द करेंगे। और मैं एक बार फिर से IELBS की पूरी टीम को, डॉक्टर सरीन को, डॉक्टर अग्रवाल को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूट तैयार किया जो आज WHO से पहले कई चीजें कर रहा है। अभी भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई हम क्यों नहीं एक्सपेक्टिंग मदर का इलाज करते हैं, कहते नहीं हमने गाइडलाइन बनाई है और WHO को भेज रहे हैं। तो WHO को आप भेजते भेजिएगा, हम दिल्ली में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।